गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 24 जून 2024 को, उनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो रैंक लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको रोल नंबर बताया गया है, उसके साइड में आपका रैंक लिखा है। तो टोटल 1 से लेकर 3000+ रैंक तक स्टूडेंट्स को मिला है। और जिन स्टूडेंट्स के रोल नंबर के आगे NQ लिखा है, NQ का मतलब होता है नॉट क्वालिफाइड, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए हो तो आपको काउंसलिंग में भी नहीं बुलाया जाएगा और एडमिशन भी नहीं मिलेगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। वीडियो एकदम स्लो है। और ये पूरा PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इसकी वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो टोटल 1 से लेकर 3000+ रैंक आया है स्टूडेंट का। तो टोटल 3000+ रैंक है, और आप मानकर चलो कि इनमें से 1500 से 1600 स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाएगी आराम से। मतलब कि 1500 से 1600 जो सीट्स हैं वो इतनी अवेलेबल हैं GNDU यूनिवर्सिटी में। तो आधे स्टूडेंट्स तो पक्के हैं जिनको एडमिशन मिल जाएगी और आधों को नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा रैंक कितना, एडमिशन मिलेगी, हमारा रैंक 1000+ है, 2000+ है, 3000+ है, तो क्या हमें एडमिशन मिलेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में एक दूसरे को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आपका रैंक 2000+ है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप एक दूसरे को ऐसे कमेंट ना करें, उनका रिप्लाई ना दें अगर वो पूछ रहे हैं हमसे कि हमारा रैंक कितना है, एडमिशन मिल सकती है कि नहीं। क्योंकि जिसका रैंक 1 आया है उसको भी एडमिशन मिल सकती है, और जिसका रैंक 3000 आया है उसको भी एडमिशन मिल सकती है। तो वो कैसे मिल सकती है, हम आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं। मान लो BA क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया 500 स्टूडेंट ने। अब 100 सीट्स हैं BA क्लास में, 500 स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, और 500 के 500 स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, तो उनके जो रैंक होंगे वो भी 1 से लेकर 3000 के बीच बीच में होंगे। और 500 में से 500 को तो एडमिशन मिलेगी नहीं, तो 500 में से जो टॉप 100 स्टूडेंट होंगे जिनका रैंक सबसे आगे होगा उनको एडमिशन मिल जाएगी और बाकियों को नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ BA का, BA की वैसे तो 200+ सीट्स हैं, मैं एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बता रहा हूँ। और मान लो कि जो BA के स्टूडेंट हैं उनके जो रैंक हैं 500 स्टूडेंट के, वो 1 से लेके 1000 के बीच में हैं। तो मान लो 1 से 1000 रैंक के बीच में 500 BA क्लासेस स्टूडेंट्स के रैंक हैं, पर जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे जिनका रैंक होगा उनको एडमिशन मिल जाएगी और 400 को नहीं मिलेगी। तो सीधा सीधा 1 से 1000 में से 100 को एडमिशन मिल गई, 400 वहाँ से निकल गए, तो बचे कितने, 500। तो जिनके 500+ रैंक होंगे उनको भी तो एडमिशन मिलेगी। अब मान लो एक क्लास है BSc फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें 100 सीट्स हैं, और जिन स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उनका जो रैंक है वो 2000 के नीचे किसी भी स्टूडेंट का नहीं है, तो क्या उनको एडमिशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। उनके टॉप जितनी सीट्स होंगी 100, अगर 100 सीट्स हैं तो टॉप 100 जिनका रैंक होगा उनको एडमिशन मिल जाएगी, चाहे स्टूडेंट का रैंक कितना भी हो। मान लो BCA क्लास की एडमिशन है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया स्टूडेंट ने, 100 सीट्स हैं, 1500 तक किसी का भी रैंक नहीं आया, 1500 के बाद ही रैंक है BCA के सभी स्टूडेंट्स के, तो वहीं से स्टूडेंट पिक होंगे एडमिशन के लिए। वैसे हम आपको बता दें कि जिसका रैंक 1 है और जिसका रैंक 3000 भी है, सभी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा GNDU यूनिवर्सिटी में। और जिन जिन स्टूडेंट का रैंक टॉप होगा, टॉप का मतलब अगर आपकी क्लास में 100 सीट्स हैं और ये 1 से लेकर 3000 रैंक के बीच में जितने भी आपके क्लास के जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे 100, उनको एडमिशन मिल जाएगी। तो इस तरह किसी को भी एडमिशन मिल सकती है। एक दूसरे को कमेंट करके ऐसा ना बोलो कि आपका रैंक कितना है तो आपको तो एडमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल 2000+ रैंक वाले कम से कम 100 से 200 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिली है। तो
तो अब ये मत सोचो हमारा रैंक इतना आ गया, क्या पता आपका रैंक सबसे आगे हो आपकी क्लास में, बेशक आपका रैंक 2000 हो। जिस भी क्लास में आपने अप्लाई करना है आपका, क्या पता सबसे पहला रैंक माना जाए वो, उससे आगे मतलब कि आपसे आगे कोई हो ही ना, तो एडमिशन मिल जाएगी। अब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने वाला है, कल तक आ जाएगा। जैसे ही आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार रखना, काउंसलिंग भी 3-4 दिन के अंदर ही हो जाएगी, मतलब कि 1 वीक के अंदर अंदर की डेट ही होगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, जैसे कोई और अपडेट आती है, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ये तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू।